बाजीराव मस्तानी मूवी का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। लास्ट में हमने देखा यार उनका गाना चल रहा था, मस्तानी हूँ मैं मस्तानी दीवानी, वाह यार। अभी देखते हैं, वो बाजीराव ने तो उसको बोला है कि कल मुलाकात होगी, तो अभी आगे देखते हैं भाई। माँ भी पड़े यार, माल तो पड़े आदि, पूजा भी करती है मिक्स में भाई, एक तरफ हो किसी भी एक तरफ। हाँ हम जितना समझे थे उससे कुछ ज्यादा ही काबिलियत है तुम्हें, बहुत अच्छा नाचती हो तुम। शुक्रिया, एक एहसान और कर दीजिए, हमारा रिश्ता भी कबूल कर लीजिए। ठीक है, कर लिया। आज से पेशवाई के साथ नर्तकी का रिश्ता हो गया तुम्हारा, बहुत जल्द तुम सातारा में छत्रपति के दरबार में भी नाचोगी। क्या हुआ, नजराना अच्छा नहीं लगा? आपकी दी हुई हर चीज हमें अजीज है, चाहे घुंघरू हो या बेटा। आप कोशिश कीजिए हम उनसे दूर रखने की, हम इंतजार करेंगे उनके करीब आने का। तो ये इंतजार जिंदगी भर रहेगा। नाचने वाली कितनी भी खूबसूरत हो, उसकी जगह सिंहासन के नीचे ही होती है। बचपन से लोग हमें कहते थे तुम बहुत खूबसूरत हो मस्तान, आज पहली बार एहसास हो। आप जैसी औरत भी इस रूप से डरती है ये जानकर खुद पे गुरूर। सातारा जाने की तैयारी करो। उत्सव का रंग अभी तक उतरा नहीं पेशो, ये देखिए कचेरी में किसी को काम करने का मन ही नहीं। अरे वो वीर ही क्या जिसके सामने श्रृंगार अपनी पलके ना चुका दे, श्रृंगार ही क्या जिसके सामने वीर अपनी तलवार ना ढोल दे। वीर धुरंधर आए तो बाबा, चीमा जी अप्पा यहाँ। अप्पा आपकी हाजिरी का मतलब युद्ध के सारे हिसाब किताब हो गए, बताइए क्या है नतीजा? अगर बुंदेलखंड की भेंट को नजरअंदाज कर दिया जाए तो तीनों युद्ध के बाद भी हमारी तिजोरी में तो कुछ नहीं आया श्रीमान। यही तो आपकी सोच गलत है अब्बा, क्या नहीं पाया हमने? अव्वल जीत की जब खुशी मिली, दूजा बंगज की धोती फटी, तीसरा दिल्ली में मराठाओं का डंका बजा, चौथा नीले आसमान में केसरिया रंग का ध्वज फिर से लहरा। पांचवा बुंदेलखंड के साथ जिंदगी भर का रिश्ता बनाया। और छठा पेशवा, छठा तो आप भूल ही गए, मस्तानी जैसी मस्त नाचने वाली बाई भी तो मिली। साहिबा की मेहमान नवाजी में कोई भी कमी ना रहे। जी आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, वो हीराबाग की हवेली में है। संदेशा भेज दीजिए, शाम को मिलने आएंगे। आपका उनसे मिलना मुमकिन नहीं। क्यों? क्योंकि आज आपको सातारा जाना श्रीमान। सातारा कल भी जा सकते हैं। छत्रपति के साथ आपकी मुलाकात तय है और आप उसे टाल नहीं सकते। ए, मूर्ख, लगाम दिखती नहीं है पर जबान पर होनी चाहिए, समझना। अला सातारे अला, सही बोला ना, महाराजा की बेटी को नाचने वाली बोल रहा है। आओ बाजीराव, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। छत्रपति का हुकुम हुआ और पेशवा हाजिर। बुंदेलखंड की जीत मुबारक हो, ये अफगानी लोहे की तलवार हमने खास आपके सम्मान में बनवाई है। धन्यवाद छत्रपति। छत्रपति आपने तलवार तो दे दी, अब इसे चलाने का हुक्म भी दे दें तो दिल्ली को आपके कदमों में झुका देंगे। इस वक्त राजनीति ये नहीं कहती कि हम दिल्ली पर चढ़ाई करें। हमारी राजनीति यही कहती है, यही सही वक्त है छत्रपति। शराब और अय्याशी में दिल्ली डूब चुकी है, बादशाह पर किसी को भरोसा नहीं रहा। अगर हमें दिल्ली जाना है तो पहले दक्षिण में निजाम को चुप कराना होगा। राजनीतिक सूझबूझ भी तो कोई चीज होती है। पेशवा, प्रतिनिधि सही कह रहे, कदम बहुत बड़ा है, सोच कर रखना होगा। बाकी की बातें हम शाम की महफिल के बाद करेंगे।
इस तलवार को म्यान में ही रहने दो पेशवा, दिल्ली तो जाना नहीं, फिर किसकी गर्दन पर रखो? पेशवा के दुश्मनों की कहां कमी है? ये गलती आपकी गर्दन बहुत कीमती है, पर इन मोतियों की माला से भी ज्यादा नाजुक है। नहीं देखता, काट देता ना, ये बड़ा कांटा है। जीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करता। नहीं करते कभी मात दे सकते हैं। मस्तानी साहब यहाँ कैसे पहुंचे? माँ साहब नहीं भेजा है आज की महफिल से जाने। वो माँ साहब भी है ना, महफिल शुरू की जाए। ये बड़ा सरदार बैठा है इधर, ये अंदाज इसका निराला है। मुझे अच्छा लगता है। महफिल सजाने के बजाय इस तरह घुंघरू रखकर महफिल का अपमान कर रही हो तुम। हम महफिल का अपमान नहीं, अपना मान रख रहे हैं। कौन हो तुम? मस्तानी। बुंदेलखंड की सौगात है ये। पेशवा के पाड़वा के उत्सव में तो इसने चार चांद लगा दिए थे। वो उत्सव था, ये महफिल है, और ये कोई नाचने वाली नहीं है। राजा 16 साल की बेटी है और इस वक्त पेशवा की मेहमान। लगता है ये मेहमान कुछ ज्यादा ही खास है। खास है प्रतिनिधि, इनकी वजह से आज ये पेशवा जिंदा है, और पेशवा की वजह से मराठा साम्राज्य जिंदा है। आला लक्षा। क्षमा सा छत्रपति, इनको यहां से जाने की आज्ञा दीजिए, इनकी जगह इस महफिल में नहीं है। सही कह रहा है पेशवा, तुमने पेशवा की जान बचाई है, बदले में हम तुम्हें क्या दे सकते? अगर हमने मांग भी लिया तो आप दे नहीं सकेंगे छत्रपति। ऐसा क्या है जो एक छत्रपति नहीं दे सकते? दाद देते हैं हम तुम्हारी नजर की और तुम्हारे हौसले की, जिसने मराठा साम्राज्य की सबसे कीमती चीज मांगने की हिम्मत की। लेकिन इस गुस्ताखी के लिए तुम्हें सजा भी मिल सकती। किसकी तलवार पर सर रखूं ये बता दो मुझे। इश्क करना अगर खता है तो सजा दो मुझे। मैं मोहब्बत के इतिहास लिखने वालों, मैं अगर हरफे गलत हूं तो फिर मिटा दो मुझे। बहुत अच्छी सरदार भाई, बादशाह भाई क्या गला, और कुछ बोलता नहीं। नाव को मत बांधो, अब उस पार जाएंगे। सरकार, अचानक पानी बहुत बढ़ गया है, ऐसे तूफान में नाव को उस पार लेकर जाने से हमारा नुकसान होगा। नाव की कीमत आपने जिनकी कटार से ब्याह किया है वो तो इस रिवाज से अनजान है, और अगर उन्होंने ये रिश्ता कबूल करने से इनकार कर दिया तो हम भी तो देखें अपने इश्क का सर। देख लीजिए अपने इश्क का सर। आपने भरे दरबार में पेशवा मांगा था ना, पेशवा हाजिर। मानना पड़ेगा मस्तानी साहब, जिस रिवाज से, जिस रिश्ते से हम अनजान थे, उसके लिए आप अपना सब कुछ छोड़कर चले गए। क्या है इस दीवानगी की वजह? इश्क, जो तूफानी दरिया से बगावत कर जाए वो इश्क, भरे दरबार में जो दुनिया से लड़ जाए वो इश्क,
जो महबूब को देखे तो खुदा को भूल जाए, वो इश्क। ये समाज शनियार वाड़ा आपको कभी नहीं अपनाएगा। हमारे साथ इश्क मतलब अंगारों पर चलना होगा। कबूल है। हमारी पत्नी है काशी, हम आपको पहली पत्नी का दर्जा कभी नहीं दे सकते, हम सिर्फ आपके कभी नहीं हो सकते। कबूल है। हमारा नाम अपने नाम से जोड़कर आपको बदनामी के अलावा और कुछ नहीं मिले। कबूल है। ये धरती, ये आसमान, ये तूफान और इसी ने कि आपको साक्षी मान के आज से हम आपको अपनी पत्नी मानते हैं। दुनिया हम दोनों को हमेशा एक नाम से याद रखेगी, बाजीराव मस्तान। वाह मस्तानी भाई, आखिर कामयाब हो गए यार। निजाम से मुलाकात की रणनीति बना रहे हो, ये जरूर पहन के जाना। अंगूठी पेशवाई को बहुत महंगी पड़ी है, इसकी कीमत दो बार चुकाई है, एक बार सोनार को और दूसरी बार नाविक को। जंगे जीत रहा है, छोड़ो उसको अपने हाल पे। नहीं देख लीजिए श्रीमंत, दक्षिण का सांप कैसे फन फैलाकर बैठा है मराठाओं को काटने। खबर मिली है कि निजाम के साथ 20,000 सैनिक हैं और हमारे पास सिर्फ आधे। आप और हम जानते हैं, निजाम कहां जानता है। ये अदाए भाई, निश्चिंत रहिए पंत, हर युद्ध का नतीजा तलवारों से नहीं होता, तलवार से ज्यादा धार चलाने वाले की सोच में होनी चाहिए। कॉन्फिडेंस देखो कैसे चलता है। आइए आइए बाजी राजे, खुशामदीद, बैठिए। नमस्कार। निजाम जी पहले तो आपसे ये कहना चाहेंगे निजाम जी कि हम कोई राजा नहीं है, केवल छत्रपति शाहू के सेवक हैं। पर लोग तो यही कहते हैं कि बालक छत्रपति है पर चालक तो उनके पेशवाई हैं। लीजिए शरबत को शर्माइए। शुक्रिया, हम केवल आपके मीठे शब्द सुनने आए। हम तो अक्सर इतिहास लिखने वालों से ये कहते आए हैं कि मराठा सल्तनत में अगर छत्रपति शिवाजी और शंभू राजे की बात कोई है तो वो सिर्फ बाजी ही बाजी है, बाकी तो सब बाजी है। हम भी लोगों से अक्सर कहते हैं कि दक्खन में अगर कोई बहादुर है तो वो निजाम ही निजाम है, बाकी तो बिना गुठली के आम है। आपकी तलवार की ताकत आपकी जबान से भी छलकती है और आपके इरादे आपकी आंखों से। इरादा तो आपको कैद करने का है। आपके इस इरादे से तो पुणे का बच्चा बच्चा वाकिफ है, फिर भी आप हमारे चुंगल में फंस गए। वादा करके आए हैं निजाम जी कि मुलाकात के नाम पर अगर आप दगा करेंगे तो बाजीराव भी चुप नहीं रहेंगे। हमारी ही छावनी में आकर आप हमी को धमका रहे हैं। धमका नहीं रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। आपका एक गलत कदम और आपकी पूरी सल्तनत खत्म। बैठ कर लो इसे। हमने कहा इसे कैद कर लो। कमाल है, हमारे आदमियों से ही कह रहे हैं कि हमें कैद कर लो। आपने जो आदमी भेजे थे हमें लेकर आने के लिए उन्हें शायद हमारा शामियाना और पसंद आ गया, वहीं के वहीं रह गए। ये मत भूलिए पेशवा। यही ना कि आपके छावनी के पीछे आपकी सेना खड़ी है, 20,000 सैनिक, 2,000 घोड़े और कुछ हाथी। लेकिन जो आप नहीं जानते हैं निजाम जी वो ये है कि उनके पीछे 40,000 मराठा सैनिक नंगी तलवार लेकर खड़े हैं जो हमारे एक इशारे पर आपकी पूरी सेना को बर्बाद कर सकते हैं। आप चाहते क्या? आप क्या चाहते? पूरा हिंदुस्तान। ओह माय। फिलहाल हम आपसे ये चाहते हैं कि जब हम दिल्ली पर चढ़ाई करेंगे तो दक्खन में आप खामोश रहेंगे। मंजूर है। दूजा, मराठाओं की जितनी भी जागीरें आपने छीनी है वो छत्रपति शाहू को आप वापस लौटाएंगे। मंजूर है। और तीसरा, जब हम आपकी तरफ दोस्ती के कदम बढ़ाएंगे तब आप दुश्मनी भूल के हमें गले लगाएंगे। या वाह बाजीराव यार।
यार मतलब क्या दिमाग चला है वो निजाम को देखो। सिपाही बोल रहा था उसका कि भाई हमारे पास इतनी फौज ही नहीं है, लेकिन बोल रहा है नहीं वो उसको सोचने दो हम डबल बताएंगे। जैसे ही उसकी दरबार में घुसा भाई क्या उसको मतलब देखो ना अंदाज से बोला कि हमारे पास 40,000 सिपाही हैं, नंगी तलवारें लेकर बैठे। निजाम की बोलती बंद कर दी वो बेटा ऐसे क्या चाहते हो कमाल है यार। पहले वो बड़ा एटीट्यूड से बोल रहा था कैद कर लो इसे, जैसे पता चला भाई साहब खामोश हो गया। तो यार ये बाजीराव के जो अंदाज है ना मजा आ जाता है। और यार शुरू में हम वो छत्रपति जो है इनका बड़ा यार जिस तरह वो बैठता है वाह यार वो भी है महाराजा लगता है, लेकिन थोड़ा उसका जो डायलॉग डिलीवरी है ना वो हमें हंसाता है। इस तरह की मस्तानी आई और मस्तानी ने उसको इस तरह बोला इश्क की इबादत है हर्फ ही गलत तू तो मिटा दो, तो वो बादशाह बोलते हैं अच्छी बात है समझ नहीं आया अच्छी बात है मतलब बगैर जवाब दी उसको बोल दिया सही है। तो यार ये मजा आ जाता है ऐसी मूवीज में क्या यार इन लोगों ने बना दिया है मतलब तारीफ करेंगे भाई। मुझे इतना अच्छा लगा है ना ये बाजीराव का अंदाज और इसमें जो भी कैरेक्टर्स हैं वो जो सफ़ेद साड़ी वाली औरत आती है वो तो भाई नेगेटिव ही है, वो तो हर बार इसे नुक्स निकालती रहती है कि तुमने ये क्या कर दिया और ये अंगूठी, तो बड़ा यार अच्छा लगा हमें मूवी। वाह बाजीराव आपके जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना भाई वो 100% है भाई, क्या दिमाग आपका है भाई हर वक्त काम करता है। वो उसको पागल कैसे बनाया 40,000 में भी एकदम से हैरान हो गया 40,000 पर मुझे याद आ गया ये इनका चाल है भाई, उसको ही डबल बता दिया 40,000 है सिपाही 10-12,000 पर उसको 40,000 बता दिया। वाह बाजीराव आपको मैंने मान लिया। और मस्तानी भाई ने भी भाई कमाल कर दिया, कबूले कबूले हर बार कबूले, वो कह रहा है भाई मेरे से निकाह करोगी तो कांटों पर चलोगी, कबूले कबूले वाह भाई मस्तानी आपका कमाल है। बाजीराव को तो पता ही नहीं है कटर से भाई चाकू से शादी हो गई है, बाजीराव को भी तभी पता चला जब आप उनसे मिलने आई, तो भाई जबरदस्त बाजीराव आपको भी मैंने मान लिया, मस्तानी भाई को भी मान लिया। ये वाला जो पार्ट था ना बिल्कुल मजा आ गया देखकर, हम भी ऐसे लग रहे थे हम भी महाराजों के पास बैठे हुए हैं भाई। भाई बिल्कुल मजा आया, निजामुद्दीन का भी भाई मजा आया, वो उसको क्या मंजूर है भाई मंजूर है नहीं। लेकिन इन लोगों ने यार बड़ा यार अच्छा दिखाया हमें, जो रियल एकदम दिखा रहे हैं जैसे उस जमाने में हम चले गए हो, क्या यार इन्होंने बनाया है। तो दोस्तों ये पार्ट एंड हो गया, कोशिश करेंगे आगे भी ये हमें मूवी मिल जाए। अभी ये लेता थैंक यू अल्लाह।